पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार किया गया। इस दौरान सुंदर कांड का पाठ के साथ ही भजन कीर्तन किया गया। इस अवसर पर हनुमान जी की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई, तो वहीं बाबा को भोग लगाकर भंडारा ग्रहण कराया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुंदर कांड का पाठ आयोजित किया गया। उससे पहले हवन पूजन किया गया, जिसमें सभी जनों ने आहुति देकर धर्म लाभ कमाया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं शाम को आरती की गई और बाद में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर पूरे दिन धार्मिक आयोजन मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में किए गए और सुंदर भजनों का गायन किया गया, जिन्हें सभी सुन श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा है, हमारे प्राचीन मंदिर है और इसमें सुबह पहले यज्ञ हुआ है, अब सुंदरकांड चल रहा है, शाम को भंडारा होगा और कॉफ़ी बटेगी। और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो आए, प्रसाद ग्रहण करें और सुंदरकांड भी सुने। किस तरह से सुबह से भक्तों का बहुत अच्छा सलाह था देखने को मिला और शाम को और अच्छा सलाह मिलेगा देखने के लिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनोकामना मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो हर साल हमारे मंदिर पर मनाया जाता है। सुबह यहाँ पे यज्ञ हुआ है, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। सुंदरकांड का पाठ समाप्त होने के बाद शाम को 5 बजे से भंडारा होगा और इसमें सभी श्रद्धालुओं को ऐसा है हनुमान बाबा जो है मनोकामना पूर्ण करें और सबकी जो है मनोकामना पूर्ण करें, जिससे श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हों। हनुमान जन्मोत्सव तो जन्मोत्सव जो काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ सभी आयोजन जो हैं बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और यहाँ दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और मनोकामना भी लोगों की पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज ही आ रहा है, खूब मनोकामना भी पूरी होती है, आप खुद देखेंगे। आज सुबह पहले हवन हुआ, फिर अब सुंदरकांड चल रहा है, अब दोपहर के बाद भंडारा और बूंदी का प्रसाद और खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं यहाँ आके। राम जी का नाम।